स्वीट का पहाड़ हो, जैसे स्वीट का पहाड़ हो, कितना स्वीट बनना है? तो बाबा ने कहा, स्वीट बाप के बच्चे, स्वीट धाम में रहने वाले स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट राजधानी भी है, स्वीट होना है, मीठा होना है। स्वीट तो बहुत होते हैं ना दुनिया में, कहते वेरी स्वीट है। स्वीटनेस का बहुत आर्टिफिशियल मीनिंग भी होता है, लेकिन बाबा कहते संकल्पों की स्वीटनेस। पहाड़ तो तभी बन सकते हैं ना शब्दों में, तो थोड़ी, क्योंकि कम शब्द ही बोलने होते हैं आजकल, बातचीत ज्यादा होती नहीं है, ज्यादा जो क्वांटिटी है संकल्पों का है। तो संकल्पों में स्वीटनेस होगा तो स्वीटनेस का पहाड़ होगा। तो इसका चलो एक बाबा ये मीनिंग, शब्दों में, स्वीटनेस का दीदी एक बार किसी ने बताया था मीनिंग, कि बाबा स्वीटनेस का पहाड़ है, मीन्स कि जो जितने सारे गुण है ना वो उनके प्रैक्टिकल में है, तो जब तक हम में सारे गुण नहीं आएंगे हम स्वीट नहीं बन सकते। वही संकल्पों में स्वीटनेस होगी तभी होगी। मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। अच्छा प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेफ कर, अपना सब कुछ सेफ कर लेते हो? सिक्योर्ड है, सेफ है, किस विधि से अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? तुम कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है वह हम अपना सब कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ कर देते हो। सेफ वो बोलता है ना, वॉल्ट बोलते हैं ना, तो सब कुछ बाबा के तिजोरी में सेफ कर देते हो। ये शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो, तुम काल पर विजय पाते हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अगर ऊंच पद पाना है तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? जो हम कर रहे हैं, नींद को जीतने वाला, आलस्य को जीतने वाला, अलबेलापन को जीतने वाला, ये ऊंच पद, तब समझेंगे ऊंच पद के लायक है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम मुख देखते हो अपना भविष्य का? पुरुषोत्तम मुख याद आता है? याद करो पुरुषोत्तम मुख भविष्य का, इमीडिएट आ गया। टाइम लगा। सजा सजाया देव स्वरूप, मुख देखो। अच्छा देखा, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? बहुत, कल पूरा दिन वही तो देख रहे थे, तो इजी है ना एक्चुअली फिर। खाली मुख तो आता ही नहीं है ना, वो पूरा गेटअप के साथ ही आता है। समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। आता है ना, जैसी चोला देखते हैं, इनकी राजधानी में ये एक आत्मा कितनी सुख दे रही थी, कितना एंथुजियाज्म क्रिएट कर रही थी। सारे देवी, सारे आत्माएं वैसी हो, वो राजधानी कैसी होगी? स्टूडेंट जब पढ़ते हो तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण
अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है, और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, मुझे याद करने से देखो वो है गान करने वाले, गुणगान करने वाले, बखान वर्णन उसमें एकदम मगन होने वाले, बहुत अच्छी स्टेज है, बहुत ही अच्छी स्टेज है। अब बाबा हमको उसके राज बता रहे हैं, जिनके गुणगान किया जा रहा है उसको तुम, वो तुम बनना है, तुम्हें बनना है। और कैसे बनना है? हाँ, उस स्वीटेस्ट बाप को या बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे। वो इतना स्वीट क्यों लगते हैं? काला है लेकिन बहुत स्वीट लगते हैं। क्या है स्वीटनेस आत्माओं के? चेहरा नहीं होता है, ये भी प्रूफ है। देवी देवताओं को क्यों पूजा जाता है? एक्सटर्नल की बात नहीं है, लेकिन सारे गुणों का पूजन है। हाँ, सारे गुण है ना, प्योरिटी जो भी है। तो बाबा कहते हैं उसका तरीका है मुझे याद करने से और ज्ञान, और दूसरा है ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्म पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को, अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को वर मिलेगा, मीठी मीठी सजनी को। सजनी कौन? जो साजन को याद ही करने वाली नहीं, जो साजन के फुटस्टेप्स पर चलने वाली है, वो है सजनी। अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को, कदम कदम पर फुटस्टेप्स पर चलने वाले मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं ना। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को सुना, स्वीटेस्ट बाप, स्वीट बाप के स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है। सारा दिन नजर आया बाबा, नजर आया कि देखो ऐसा मुझे बाबा बना रहे हैं। ये है, देखो निरखो मगन हो, लेकिन ये सोच संकल्प करके इतना मैं मगन होती हूं कि मुझे देख के पूरी दुनिया भाव विभोर होती है। क्यों? मैं बाबा की याद में एकदम भावना में तल्लीन होती हूँ। आज आया है बाबा की मुरली में, कैसे याद करना है? तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं, कि याद करो तो ही खुश हो जाए, संकल्प करते ही खुश हो जाए, इतना स्वीट बनाने आया हूं। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना, जैसे इनकी राजधानी स्वीट है वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं देखो, जैसे राज वो स्वीट है, प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इनको कितना स्वीट देखते हैं। बाबा को पता था क्या ये मुरली कल के अकॉर्डिंग चलने वाली है? बाबा कह रहे हैं जब मंदिर में जाते तो इनको कितना स्वीट देखते हैं, देखते रहते देखते रहते। दर्शन की वैल्यू है, कि बस देखना है दर्शन। वो देखना भी इस ऑर्डिनरी टर्म नहीं है, दर्शन है। देखने जाते कोई नहीं कहते, दर्शन के लिए जाते। क्यों? क्यों बाबा कहते इनो? क्योंकि स्वीट है ना, स्वीट जो होता है ना, हर गुणों की स्वीटनेस वो देखा जाता है। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं। कल क्या समझा बोलो, किसको क्या क्या संकल्प आया? अरे क्या भव्य मंदिर है, अरे क्या मंत्री जी प्रधानमंत्री जी ऐसे कर रहे हैं। ब्राह्मण बच्चों को क्या संकल्प आया?
बहुत पुरुषार्थ करना, ये संकल्प आया हमारा यादगार है, ये पुरुषार्थ, ये संकल्प आया। हाँ तो वो तो अच्छा, वो ब्राह्मण बच्चों को क्या संकल्प आना चाहिए, वो तो पता है काला क्यों है, वो तो हमको वैसे भी पता है। बाबा कहते हैं कि क्योंकि दर्शन करने वाले समझते हैं कि यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। कितना जीवन में, जितने जीवन में त्याग तपस्या होगी, त्याग की भावना होगी, वो स्वीट होगा। लेने की भावना होगी वो कड़वा होगा। देने की भावना होगी वो स्वीट होगा। त्याग की भावना होगी, तपस्या की भावना होगी, वो स्वीट होगा। अन्य आत्माओं को सुख मिले, ये जिनके जीवन की प्रायोरिटी होगी वो स्वीट होगा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वह कि बाबा कहते हैं यह स्वीट स्वर के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट थे, स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते, महाकाल बोल दिया, लेकिन बहुत जाते मंदिर में। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। ज्यादातर जो ये स्टेटिस्टिक्स है भक्तों की, उसमें जो ज्यादा शिव के भगत है ना, उनके अंदर वैराग्य वृत्ति बहुत जल्दी आ गई। कल सुना रहे थे ना छत्रपति शिवाजी महाराज, वो जैसे ही उसको देखा शिव के मंदिर में गए, तो कैसे उनकी वैराग्य वृत्ति आई। तो बाबा कहते हैं तू क्योंकि स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा है, तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है, इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है, स्वीट बाप ही आकर कड़ुओं ही दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते, स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं, मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। इतनी महिमा किसी की हुई आज तक, इतनी महिमा एट अ टाइम। आप ये सोच आ रही थी कल तो कि एक खाली उनकी पूजा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी 11 दिन निराहार रहे और नीचे सोए, और हमको तो वो बाबा कहते बनना है, हैं, मूर्ति बनना है, तो हमको तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो बाबा यही कह रहे हैं कि स्वीट बाप, बच्चे जानते, स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं, हूबहू आप समान बनाते हैं, आप समान, जो जैसा होगा वैसा बनाएगा ना, याद करते ही स्वीटनेस आ जाए, भगवान को याद करते ही खुश हो जाता है। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए क्या करना होगा, तरीका बताया ना। क्या करना होगा, स्वीट बाप और स्वीट वर्सी को याद करो, बस सिंपल मेथड है, बस उसको याद करो। और दूसरा बाबा ने कहा, अभी बोला स्वीट बाप स्वीट वर्से को याद करो, इसके पहले बोला नहीं, स्वीट बाप और ज्ञान रत्नों को धारण करो, बोला नहीं, अभी उसे तो 21 पुरुषोत्तम जन्म बनने पद्मा के लिए पदम एक के, बनेंगे। हाँ, और एक ज्ञान रत्नों को धारण करो, तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बन जाएंगे। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीर समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं याद से ही तुम्हारे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे, प्रतिज्ञा करता हूं, गारंटी। कोई डॉक्टर, एकदम हाईएस्ट डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता है, भगवान गारंटी लेता है, तुम्हारे सब कल कलेश मिट जाएंगे, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे।
आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी तो स्वीट मिलेगा ना। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलवड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है ना। बहुत मीठा मीठा बाबा, कितने बार आ गए आज, काउंट नहीं किया? ये 30th को चल रहा है। हाँ, अब काउंट करना अब से। आत्मा, जितनी स्वीट वर्ड आया ना, वो काउंट करना है सबको। देखते हैं मैक्सिमम कितना करते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। अब सबका एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि ये नंबर्स बता दिए अभी से। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते। मीठा भी आ जाएगा उसमें, बिलवेड भी आ जाएगा, वो भी ऐड कर दो। मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम बाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाप को तुम फॉलो करो, देखो पूरी दुनिया फॉलो करती है। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट गुणगान तो करेगी। फॉलो करने वाले भी उसमें कोटों में कोई निकल लेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। कम कर दिया चार्ट याद का 18 जनवरी के बाद? इधर जो हो जाता था वो हो जाता है कंप्यूटर पे, ऐसा तो नहीं? ऐसा तो है, इसलिए क्यों प्रोग्राम बनाया जाता है, ताकि हमारा बन होता रहे। वही टाइम 9 o'clock तक, वैसे भी बहुत इतना प्रोडक्टिव नहीं होता होगा जो हम सोचते हैं कि दौड़े। तो योग करो, बाबा के कमरे में करो अगर पॉसिबल है तो उस समय तक। 30 अव्यक्ति मास तक तो करो, 18 जनवरी बहुत अच्छा, लेकिन और आगे बढ़ो ना। बाबा कहते हैं हाँ, तुम बच्चे बाप को फॉलो करेंगे तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, देखते हैं ना अपना अकाउंट, तो तुम भी व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो, सौदा कितना बड़ा है। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे, अथाह सुख पाएंगे, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूं। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक है। ऐसा बनने लायक है, देखा? अब देखो कल श्री विग्रह को सामने लाओ। ऐसा बनने लायक है, कैसी कैसी आंखें हैं, दिव्य, किस तरह के मुकुट है, दिव्य, सब निछावर करने के लिए रेडी है हर कोई। क्यों क्यों ऐसा बनने लायक के लिए क्या चाहिए? इतना वो ब्राह्मण आत्मा ने कितना अपने जीवन को त्याग तपस्यामय बनाया, तब तो ऐसा बना ना। सब किए वो का कर्म क्षेत्र है ना, किसी को भी ऐसे फ्री में महिमा नहीं मिलती है। कर्म क्षेत्र है, सौदा है पूरा कंप्लीट। तो बाबा कहते हैं रोज अपने अंदर जांच करनी है, नहीं तो देखना है हम ऐसा बनने लायक है
अब देखेंगे ना, तो क्या देखेंगे बोलो विनोद भाई। हम ऐसा बनने लायक है, हम ऐसा किसको बोल रहे बाबा? हम ऐसा बनने लायक है किसको देखकर बोल रहे हैं? देवी देवताओं को सामने देखो, राम लला को देखो, लक्ष्मी नारायण को देखो, तुमको भी देखना है। नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, कितना डिफरेंस है हमारे में और उसमें, बहुत है ये तुरंत बोल देते बहुत है डिफरेंस। अच्छा इस हफ्ते थोड़ा कवर अप करेंगे ताकि नेक्स्ट वीक आप बहुत नहीं बोलो। आज अगर 70% डिफरेंट है, 2, 3, 4, 5% कवर करो तो अगले हफ्ते बोलेंगे ना 65% है। रोज बहुत नहीं बोलो। तो बाबा कहते हैं नहीं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है ना, बाप आई है परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है। सुना सभी अव्यक्त फरिश्ते सुन रहे हैं? ऑनेस्टली, खुद ही ऑनेस्टली जांच करना, मतलब मुझे किस कोई बोलना ना पड़े किसी को, खुद ही मुझे समझ में आ जाता है। यही है जिस कारण समझता हूं कि ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं, ठीक है। ये अलबेलापन आ जाए, अव्यक्त मास चल रहा है, ये भी क्या है? दमयंती बहन क्या हो गया? अव्यक्ति मास है, क्लास करो, तो ये भूत है ना, क्यों नहीं रेगुलर क्लास करते? जो भी नहीं कर रहे हैं 18 जनवरी तक की, कारण क्या है? अलबेलापन है या दृढ़ता की कमी है, क्या बोलेंगे? या बहुत जेन्युइन रीजन है? तो भूत आ गया ना, आने दे दिया भूत, फिर क्या हो जाएगा? जैसे ही भूत आने लग जाए, उसकी भी आदत बन जाएगी, हमारी भी आदत बन जाएगी। पौधा अच्छा हरा भरा हुआ, बड़ा हुआ, वापस उसमें फिर वैसे ही हो जाएगा। तो अपनी दृढ़ता को कम नहीं करो बाबा, इसलिए कहते हैं ईमानदारी से देख, ईमानदारी से। क्या रियली जेन्युइन रीजन है जो मैं ऐसे करती हूँ? मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती, या कोई मेरा अलबेलापन है? हर बात में ईमानदारी से, चाहे अमृत वेला है, ईमानदारी से देखो। क्लास करना है, ईमानदारी से देखो। ऑनेस्टली से देखने से भगवान का हेल्प मिलेगा। अपने कन्वीनियंट साइड लेने से भगवान साइड नहीं होगा फिर मेरे। भगवान का हेल्प चाहिए या मुझे रावण का हेल्प चाहिए, तो मैं बहाने एक्सक्यूजेस बनाएंगे, रावण का हेल्प होगा। भगवान का हेल्प चाहिए तो ऑनेस्टली बोलेंगे नहीं, मैं ना, मेरा अलबेलापन था इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा आलस्य था इसलिए मैं नहीं कर रही। ये ऑनेस्ट, ईमानदारी से देखो। मेरा ईगो था इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टली, ऑनेस्ट वाला खुद का कंट्रीब्यूशन उस सिचुएशन में समझेगा, और जो ईमानदारी से नहीं करेगा वो कहते हैं उसने ऐसा किया था, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देखता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऑनेस्टली देखो। जिस कारण समझता हो कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा, बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं। अच्छा किसकी खामी देखते हैं, तो फिर बाबा क्या करते हैं? बाबा खामी नहीं देखते, अरे तो फिर ठीक कैसे करेगा? तो आत्मा में ही तो खामी है, आत्मा ही तो खामी है, शरीर में खामी थोड़ी है। शरीर तो काला है तो भी पूजनीय है। बाबा क्या देखते हैं? देखो किसकी खामी देखते, फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघ्न निकल जाए। ये बाबा देते करंट देते हैं, सकाश देते हैं किसी को, कि बार बार उस आत्मा का ये विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे, तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है,
सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है, दूसरे की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। ये एक्चुअली ये हुआ, दूसरे की सर्विस करना माना वो ना, ये अमृत वेले का ये जो एक कुछ सिखों में बहुत है ना मान्यता, अमृत वेला की, और वो उनके बच्चों को भी उठाते हैं उस समय उठो। तो एक सरदार था, उनके जीवन में रियल सिचुएशन है, बहुत बहुत अच्छा बिजनेस था, फ्लरिशिंग था, पर कुछ ऐसा हो गया, मतलब एकदम रोडपति, फिर घर भी बेच दिया एकदम। तो किसी ने कहा कोई डायरेक्शन लो किसी सेंट से, तो कहाँ फिर लिया, तो उस सेंट ने कहा कि तुम अमृत वेले ऐसे करो, तुम करोगे मैं जैसे बोलता हूँ। बोला हाँ ठीक है। तो बोला कि अमृत वेले उठो, गले में ढोल रखो और नीचे जाओ और ढोल बजाओ कि हे सज्जनों जागो जागो, भाग्य बनाने का समय आ गया, ऐसे कुछ ना पोएम बोलने को बोला। ये तुम रोज करो, अगर तुम कोई 10 गालियां भी देते हैं कोई प्रॉब्लम है, तुम अपना करते जाओ। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर तो अब वो करने लगा, अगले दिन से रोज जाता था। तो ये और अब उसमें ऑब्वियसली सारे तो नहीं उठेंगे, तो 10 लोग, तो उसने कहा था कि अगर 10 लोग भी उठने लग जाएंगे और वो उठ कर जो भी गुरुवाणी ये सब कुछ पढ़ेंगे, वो आत्मा जो पुण्य, 10 लोगों का जो पुण्य होगा ना वो तुमको मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत पाप है, इसमें इमीडिएट पुण्य चाहिए। जैसे बैंक वो ब्लड खत्म हो जाए तो इमीडिएट डोनेशन चाहिए होता है ना, तो अन्य आत्माओं का पुण्य ऐड करना है इमीडिएट, तब तुम्हारा खत्म होगा, इतना बड़ा खड्डा है। तो करने लगा, फिर करते करते नेचुरल है कुछ तो जागेंगे ही जागेंगे। और थोड़े दिनों के बाद कुछ दिन किया तो कई जागे, करने लगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम सेवा करते हैं ना, दूसरी आत्माएं किसी के दिल में होता है मुझे करना है करना है, तो उसको जर्क मिल जाता है हमारे ऐसे कुछ करने से। तो फिर बाद में ऑटोमेटिक उसका बहुत बढ़ने लगा, करने लगा। उसके बाद तो फिर वो शिफ्ट हो गए, कनाडा गए। तो कनाडा में बाद में मतलब प्रोग्रेस तो मल्टी मिलियनर वैसे हो गए वहां से। अभी भी अब उनकी थर्ड जनरेशन चल रही है, वो आते हैं महीने 2 महीने में एक बार पंजाब में, वहां तो नहीं कर सकते, पंजाब में वो एक गांव है वहां जाते हैं, और दो तीन दो एक दो महीना रह के रोज सुबह ऐसे करते अब तक। तो दूसरों के करने से, दूसरों को उठाने से उनका पुण्य, हमारे बहुत सारा अगर कोई प्रॉब्लम है सिचुएशन है वो पुण्य मुझे हेल्प कर देता बाबा, इसलिए कहते हैं वो तो है ही है। हाँ वो भी है, मतलब कितने सारे मल्टी मिलियन फायदा है उसमें। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना, जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस तरह से। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना, तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो, तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो, तुम काल पर विजय पहन रहे हो, शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, दुनिया में मनुष्य के पास कितना भी धन दौलत है परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये दे भी नहीं है, ये भी तो बाप को दे दो, यह भी बाप को दे दो,
तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ दिया। बाबा को रोज देते हो, अमृत वेला कौन नहीं देता है? अभ्यास कराया था ना, कौन नहीं देता है? आज से देने लग जाओ। सेफ, सेफ्टी बैंक है। कैसे करते? एक संकल्प करो, चलो 2 मिनट करते। चलो, मैं आत्मा पहुंची वतन में, अव्यक्त बाप दादा सामने दिखाई दे रहा है, बाबा के सामने टेबल है, बाबा को सबसे पहले स्थूल वतन में जो देह पड़ा है बाबा की गोद में डाल दिया। बाबा ये देह आपका, देखो देह को बाबा की गोद में, तन आपका, मन बुद्धि संस्कार तीनों बाबा की गोद में। धन, सारा धन, सारा कैश बाबा को एक चाबी दे दो। बाबा ये आपका, सारे चेकबुक बाबा के हाथ में। अब ये हाथ में जा रहा है बाबा का, तन गोद में पड़ा है। अब जो भी संबंधी है उनको बाबा की दोनों गोद में, सब संबंधी बाबा या आपके, या आत्मा बच्ची आपकी है ना, बाबा दोनों हाथों से उन सब आत्माओं को जो गोद में है सहला रहे हैं। अब बाबा के टेबल में सारी वस्तुएं, जो जो याद आता है, पूरा मकान बाबा के टेबल पर। बाबा ये आपका, कुछ महिमा हुई, कुछ भी बात हुई बाबा के दिल में दे दो। बाबा ये महिमा आपकी। ऑप्शन दे, जी कर सकते हैं। कुछ और संकल्प आया? 5 मिनट नहीं आया? रोज दे दो, है ही नहीं, एंड ऑफ द डे बहुत रिलैक्स होगा। बाबा कहते हैं ये भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं, और आपसे फिर वहां सब कुछ लेंगे। तो जैसे तुम सेफ हो गए, पर एक है इसमें, वो जो दी हुई चीज है ना वो फिर उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। ये नहीं उसको पार्टी में यूज किया, इधर यूज किया, उधर यूज, अगर वो श्रीमत अकॉर्डिंग नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कहते हैं जो कुछ है तो तुम जैसे सेफ हो गए, सब कुछ देखो क्या बोल रहे बाबा, बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। कभी ये भी संकल्प कर सकते, बाबा के पास तिजोरी है, डाल दो बाबा का, इतना सेफ हो गया, सेफ्टी वॉल्ट।
बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। बाप समझाते, मीठे बच्चों अब देह अभिमानी बनो, योग की ताकत से तुम किसको भी किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं, पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं योग की ताकत से। बाप को प्यार से याद करते हो, वैसे जिनकी सेवा करनी है ना, प्री सेवा पोस्ट सेवा, प्री सकाश मतलब करने के पहले और सेवा करने के बाद, पोस्ट सकाश, पोस्ट सेवा सकाश, प्री सेवा सकाश, पहले उनको इमर्ज करो और दो, वो बहुत अच्छा जाएगा। मतलब चाहे वो आत्माओं को ज्ञान सुना रहे कुछ, और पोस्ट सेवा सकाश, वो बीकानेर की महारानी को करा के आई थी ना, बताया था ना एक बार, जानकी दादी शाम को, वो दिन में पहुंची शाम को, योग का समय था, नुमा शाम सब बैठे थे योग में, बाप दादी भी बैठी थी, बाबा आए, बोला क्या कर रही हो, बोला बाबा याद कर रहे हैं, बोला किसको याद करो, बाबा आपको याद कर, बोले बाबा ने कहा रॉन्ग, जिनकी सेवा करके आई हो उनको सकाश दिया, पोस्ट सेवा सकाश। तो जिसको तीर लग, तो बाबा कहते हैं याद में रहकर थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा, पहले घायल होते फिर बाबा के बनते हैं, बाबा को प्यार से याद करते तो बाप को भी कशिश होती है। देखो कई तो बिल्कुल प्यार से याद करते, कई तो बिल्कुल ही याद ही नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ, जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है, सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है, सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी तो चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है, पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है, जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो, बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं। एक्चुअली जास्ती बोलने वाले कुछ न कुछ लूज ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है, कुछ न कुछ ऐसे बोल ही देते हैं, चाहे वो क्रोध के हो चाहे वो और वो एक्स्ट्रा बोलेंगे ही जास्ती बोलने वाला। तो पवित्र जरूर बनना है। अब जैसे कोई बहन का एकोमोडेशन में ना कुछ उसको मिल नहीं रहा था, मैंने पहले भी बताया ठीक से नहीं मिला एकोमोडेशन मधुबन में, तो फोन किया उसको इंचार्ज जो है, बोले क्या है तुम लोग, वो तो चला गया संजय भाई, तुम लोग देते नहीं हो ठीक से, और हम लोग फिर इतना मेहनत करके क्यों स्टूडेंट्स को लेकर आए तुमको, जब उस भाई ने कहा भाई तुम काम की बात बोलो, आपको एकोमोडेशन ठीक चाहिए बस इतना बता दो, ये जो हमको क्यों लाना है मधुबन, क्यों इतना हम मेहनत, ये सब क्या था। कभी कभी ये तो बोलने की बात है, संकल्पों में तो पता नहीं कितना आ जाता है, ये सब आता है एक्स्ट्रा बोलने वाला ना, फिर कुछ कुछ बोल देता है पता ही नहीं चलता है बाबा, इसलिए कहते हैं तो जितना हो सके जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है, अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो, क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। कौन सा एग्जाम्पल है श्री राम जी का, क्रोध के सामने विजयी बने, हाँ परशुराम, क्रोध परशुराम के सामने, परशुराम क्रोध के अवतार उसके सामने परशुराम एकदम विजयी, क्या बन गया था, एक शांति का पहाड़। साकार बाबा का एग्जाम्पल कौन सा है पता है ना, क्रोध के सामने शांति का अवतार,
गाली दे रहा है। पुलिस ईगो के स्टेशन में, सामने, ईगो के सामने हम्बलनेस का अवतार, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन। तो बाबा कहते हैं, तो तुम बच्चों को भी, तो बाप कितना मीठा है, बाह्य मुखी मत बनो, तो बच्चों को भी समझा दे, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाह्य मुखी मत बनो। क्रोध का भूत होगा ना तो याद में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि चाहे मैं क्रोध करके एकदम नॉर्मल हो जाओ, लेकिन जिनको क्रोध दिया ना, उनका पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें कितना मिलता है और कितने समय तक मिलता रहेगा, वो स्टेटमेंट कभी भूलेगा भी नहीं। तो उतने समय तक मुझे वो रिटर्न मिलता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्रोध का भूत वाला याद में नहीं रह सकेगा। बाप कितना मीठा है, बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली है, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते, कितने लवली थे। चलो वंडरफुल कितने लवली हो गए, देखो ये फोकस होता है, फोकस जो अभी तक जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं, देख देख के खुश हो रहे, आंखों में आंसू आते जा रहे, जो देख रहा है वो आंखों में आंसू क्यों। बाबा कहते हैं देखो, कोई भी देहधारी कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए, तो बाप कहते बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। इतना लव से बाप को याद करना है, जो कितना लव से, बोलो बोलो बोलो, अभी लवली वाली बात चल रहे हैं। ये आंख में कितनी आंसू आ याद जाए। वाली बात भी हो जाती है। वैसे जो करता होगा वो बोलेगा जरूर, मतलब आ जाता है, बोलो बोलो बोलो। किसको क्लिक होता है, कितना आंख लवली से बात आंसू आ जाए। है उससे बाप, जो देख के मत बोले मुरली में, वो उनका आंसर नहीं चाहिए, अभी तक नहीं आया, आया नहीं, जो गिव अप, हाँ याद करते रहेंगे। इतना सिंपल बात, इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे बाबा की याद ये तो में। बोला था, ये तो आंसर हमने दिया। अच्छा, आंसू आए बाबा की याद में, तब हमारे भगत भी हमको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, क्या करेंगे। नहीं, प्रेम की बहुत उच्चतम अवस्था है आंसू बहाना, प्योरली इष्ट के लिए, वो विघ्नों के लिए नहीं। ठंडे आंसू होते प्यार से, ऐसे जो ऐसे करते हैं ना, क्यों किसने आंसू बहा, क्योंकि वो आत्मा इतने अभी संगम युग में प्रेम से आंसू बहाते थे। बाबा सुनो क्या बोलना है, बाबा ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है, बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है, बहुत लव से याद, लव से बाप को याद करना है, लव भी ऐड हो जाएगा। बाबा सुनो, सुना पहले बोला वो स्टेटमेंट, बाबा वो मीठा बाबा सब कुछ मिल गया, कितना लवली बनाते हो, कितने बाबा प्यार है, ऐसे प्योर, बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई नहीं आया। ये बाबा को अभी से संकल्प दो, बाबा अंत समय में सिर्फ आप, अभी से सौदा कर लो, वो सिग्नेचर करवा लो, कॉन्ट्रैक्ट पक्का। सब ये तो हम करते ही है, मुझे और किसी भी देहदारी को याद नहीं करना है, सिर्फ बाबा सामने हो। बाबा आप बाप जैसा प्यारा कोई है ही नहीं, अरे उस माशूक के आशिक बनते हो ना, तो उस माशूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया वह जिस्मानी आशिक माशूक को इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते मीठे बच्चों, माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार है,
जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है, बहुत प्रेम से। क्या कर रहे हैं आज तो बाबा? बहुत प्रेम से बाप को याद कर अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बाबा के वर्ड नहीं आते ना, सब राइट है। अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए प्यार से। कल बोल रहे थे ना, अभी तक मेरा वो रोम, वो अवरुद्ध, कंठ अवरुद्ध हो गया, ये स्पंदन अभी भी है शरीर में। मतलब कंपन अभी भी है, ये भी पता है। हाँ अवरुद्ध, हाँ प्यार से, बहुत प्यार होता है ना बाबा की याद में। रियली रोमांच खड़े हो जाने चाहिए बाबा को याद की, जो भी डिफेक्ट्स है उनको निकाल, प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, अपने को बहुत वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा कहे, बोलो भाई, सब मीठे पहाड़ बने हो तभी तो बाबा का निकल रहा है। बाबा बाबा कहे, और तीसरा अब अलग, ठंडे ठार हो जाने चाहिए। एकदम ठहर जाना चाहिए, शीतल हो जाना, ठंडे ठार बाबा बोलते हैं ना। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, होशियार तो सभी करते हो, जो जास्ती होशियार करते वह जास्ती प्राइस पाते, ये तो कायदा है, स्थापना हो रही है। इनको देवी राजधानी कहो व बगीचा कहो, बगीचे में भी नंबरवार फूल होते, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते, कोई हल्का फल देते, यहाँ भी ऐसे। कल पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे, खुशबूदार भी बन रहे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है ना। बच्चों को यह निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, बच्चे भी जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। आज लिखना भाई अपनी खामी जो भी है ना, बाबा का बॉक्स है, एक लेटर बॉक्स है ना बाबा का, बाबा ये खामी है। एक्चुअली ये लिखत का फायदा है, क्योंकि बोली हुई चीज तो चलो संकल्प हो या लिखत वाला, तो बाबा के पास ही पड़ा रहता है ना लेटर बॉक्स है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, कहते हैं याद रहेगा मेरे को, लिख कर दे दो। हर चीज लिख कर देते ना, मधुबन में हम एप्लीकेशन लगाते, पांडव भवन की बट्टी हमारे, तो लिख कर दो बाबा के पास, लिख कर दो चीजें भी, लिख कर दो खामी भी, लिख कर दो। तो फिर बाबा की पूरे दिन नजर रहेगी, तुम अपना काम कर लो, लेटर बॉक्स पड़ा है ना, बैठे बैठे बाबा देखता रहेगा, फिर करंट देता रहेगा। ऐसा ही है ना, करना भाई आज सभी करें। इसलिए बाबा कहते अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। ये हमारी बहनें है ना, कई ऐसे प्रयोग करती है, वो रोज बाबा को लिख कर देती है, कुछ काम कराना होता है ना बाबा से, बाबा ऐसा बाबा ऐसा, और सब कहते हैं यही कि मैंने देखा वो तो हो गया, वैसे ही हो गया जैसे लिखा, तो अब ये भी लिखो जो भी खामी है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कल कल बने हैं, बाबा समझाते खामी मुख्य है, मुख्य खामी देह अभिमान। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता, इस देह को भी भूलना है, पुराना शरीर छोड़ जाना है, दैवी गुण भी यहीं धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए, फ्लॉलेस। उठकर धर्मराज भी सलाम करे, जाओ जाओ देव, तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लॉ है ये तो जानते हो, उस हीरे में भी फ्लॉ होते हैं, परंतु उनसे फ्लॉ को निकाल नहीं सकते क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फ्लॉ है उनको एकदम निकाल, फ्लॉलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो
लॉ नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? धर्मराज की सजाए खाएंगे, बहुत पदवी नीचा हो एक्यूरेट जाएगी। आंसर चाहिए बाबा। लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाती है, सेकंड डिफेक्टेड इतना सा होते ही कितना परसेंट रेट कम हो जाए? बोलो दीपिका बहन, क्या माल बेचते हो फिर उसमें? 50% रेट हो जाता है कभी कभी, है ना? इतना सा फ्लॉ है, वो सेकंड में बिकता है और वैसे दिखाई भी इतना नहीं देता है पर रेट पूरा कम। तो बाबा कहते अगर फ्लॉ नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने कारण फ्लॉ को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप रूहानी की, बाबा की, रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते, हम रूहानी बच्चों को, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग सिकिला दे बाबा प्यार बच्चों बाबा। थैंक यू बाबा बाबा, वाह बाबा बाबा वाह, शुक्रिया बाबा बाबा, बाबा। शुक्रिया। पहला पॉइंट है, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना है, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है। अशांति नहीं फैलानी है। बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्य मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। बाह्य मुखी बन बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। दूसरा है, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या-क्या खामी है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान है, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं प्रति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। तो चेक करो, प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है? प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है? योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। योगी और प्रयोगी आत्माओं के आगे साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती। मेरी तपस्या योग लगना हीटर पे चलने पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन साधना साधनों को आधार बना दे उसके कारण। चलो योग लगे मतलब अच्छा यूज हो जाए उसका, पर उसके कारण योग नहीं लगे ये नहीं हो सकता। स्लोगन है, ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना, दूसरों को अनुभवी बनाना। अभिक्तिशारी, सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव कर सकेंगे। वेस्ट बेस्ट रेस्ट,
याद रहेगा। वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट स्थिति होने से रेस्ट का। अच्छा जी, तो बाबा की कितने मिले? मीठा 25 मिले, 15, 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 15
जब से आपने पच्चीस बोला आया, तब से 15 लवली भी ऐड करना था, किया बिलव्ड भी ऐड करना था, शायद वो नहीं किया किया होगा। किया 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 25 आता है, 25। कितना बाबा ने बोला, पहले 30, 30-25 समझ लो अराउंड, और 50 बार बोला स्वीट स्वीट। बहुत बोला, दीपिका बनाई इसलिए बोला बाबा ने। बच्चे न्यू न्यू टाइप की मुरली ना आज की। हाँ, बहुत समय के बाद ऐसी मुरली चली, स्वीट स्वीट मुरली रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा स्वीट बनना है, खामी रख, खामी रख डालनी है, रोमांच फिर खड़े हो जाने चाहिए और ठंडे ठार। ओके जी।